हाँ जी बैठो बैठो, ऑफिस में जाना है? जाना है कहाँ? कोर्ट में। अरे यहीं रुक जाना, रात में बूढ़ी हो गई, कोई नहीं मारेगा। अच्छा बैठो बैठो, हाँ बोलो बाबा। हाँ देवियों को पूजा साल में दो बार। हाँ बेसिक नॉलेज में पूजा करी कि नहीं करी? अब एडवांस वाला नॉलेज में पूजा हो रही है कि नहीं? शुरू हो रही है। अभी बाबा बैठे हैं तो कम हो रही है, अब बाबा कहीं गुप्त हो जाएंगे तो बहुत तेजी से होने लगेगी। तो एक ही संगम युग में कितनी बार पूजा होती है? दो बार। तो वहाँ भी एक साल में दो बार पूजा होती है। चैत और कुंवर में फिक्स है। हाँ, और दो महीनों में फिक्स है केवल। है चैत और कुंवर में है। चैत्र मास में नया साल शुरू होता है, संगम युग शुरू होता है, तो पूजा होती है कि नहीं? होती है। और फिर इधर जब साल पूरा होना होता है तो थोड़ा समय पहले फिर पूजा होती है। ऐसे ही ये संगम युग पूरा होने से थोड़ा टाइम पहले फिर पूजा होती है। और है ब्रह्मा बड़ी मम्मी का पार्ट और ओम राज छोटी मम्मी का पार्ट है। ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र हुई है जी, छोटी मम्मी ब्रह्मपुत्री हुई है। छोटी मम्मी ब्रह्मपुत्री, छोटी माँ ब्रह्मपुत्री है जी। हैं ब्रह्मपुत्रा, पुत्र माने पुत्र माने मेल या फीमेल? मेल। मेल हो गया। अब मेल की जो बच्ची पैदा होगी उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्री कहेंगे। और बाबा आपने कहा कि कोई आत्मा मर जाती है तो आत्मा मर जाती है क्या? तेरी नहीं तो है, वो भी आपने कहा है, झूठ है झूठ मेरे ही झूठ। एक सेकंड में जन्म ले लेती है। हाँ जी गर्मी लगती है, कहाँ से आती है? बन के भटकते रहते हैं वो, अचानक मौत में जो मरते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। कब तक भटकते हैं? जो कोई निशाना पक्का नहीं बताया जा सकता, जितनी उनकी उम्र लंबी होगी उतना समय तक भटकते रहेंगे। कोई की 100 साल उम्र होती है, 50 साल में शरीर छोड़ दिया अचानक, तो 50 साल भटकते रहेंगे। और बाबा जो लौकिक में जो पूजा करते हैं, कोई हथौरिया करते हैं, कोई कालकाई करते हैं, अगर इनकी पूजा ना करें दिवाली पर तो क्या ये परेशान करेंगे? वो भूत प्रेत आत्माएं हैं कि देव आत्माएं हैं बताओ? देव आत्माएं हैं। द्वापर कलयुग में भी देव होते हैं, भूत प्रेत है तो भूत प्रेत तो तंग करेंगे ना। भूत प्रेत बनती ही वो आत्माएं हैं जो बहुत पाप करती हैं, उनके पापों की गणना ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए उनको थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है ताकि ज्यादा पाप ना बढ़ जाए। तो ज्यादा पाप करने वाले भूत प्रेत बनते हैं, वो और धर्म में जन्म लेने वाले हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के सूर्यवंशी है, आत्म की स्थिति में पक्के होने वाले हैं, वो कभी भी भूत प्रेत नहीं बनते हैं। और इमरजेंसी सीढ़ी का चित्रोड़ा दी, 176 इमरजेंसी सीढ़ी का चित्रोड़ा दी,
सीढ़ी का चित्र उड़ा दिया माने पुराना जो बाबा ने बनवाया हुआ था, बाबा ने जिस चित्र की चेकिंग की थी 30x40 इंच का चित्र, जिसका चित्रीकरण पहले पहले बंबई के रमेश भाई ने किया था और जांचा था ब्रह्मा बाबा ने, वो चित्र उड़ाई दिया और नया डुप्लीकेट चित्र बनाई दिया, क्योंकि उस चित्र में ये साबित कर दिया गया संक्षेत्र में एडवांस पार्टी के द्वारा कि ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में बेसिक नॉलेज के नाम पर रावण राज्य चल रहा है। अभी राम राज्य नहीं चल रहा है, रावण राज्य की शूटिंग हो रही है और सारे चित्र के आधार पर यह बात सिद्ध की गई। तो उन्होंने पुराना चित्र उड़ा दिया और नया चित्र रख दिया। और बाबा आप यहाँ छुट्टी में आया है, बच्चे को बाप नहीं कहा जाता है। हाँ जी, भाई से समझाया तो उन्होंने कह दिया कि जैसे जवाहरलाल ने भी क्यों लिख दिया कि 40 का फादर ऑफ है, बोला कि जवाहरलाल ने ये क्यों लिख दिया 40 का फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो बच्चा होता है, उन्होंने लिख दिया, बेवकूफ ने मान लिया। जवाहरलाल नेहरू बड़े आदमी थे, उनसे कोई पूछने का साहस नहीं कर सका कि बच्चा क्या आदमी का बाप होता है या बच्चा जब बड़ा हो जाता है आदमी बन जाता है तब आदमी का बाप होता है, कब होता है? बच्चा जब बड़ा होता है तब आदमी का बाप होता है। और बाबा ये भूत प्रेत ये पाप आत्माओं में प्रवेश कर देगा, पाप आत्माओं में प्रवेश करते हैं ये नहीं बोला, लेकिन जो भूत प्रेत होते हैं वो पाप आत्माएं होते हैं। बाबा हाँ, अभी तक भक्ति मार्ग में हम देवी देवता आत्माएं पूजा करते आए हैं, अभी तक दिवाली पे करते हैं सभी लोग, तो अब नहीं करेंगे तो वो आक्रमण नहीं करेंगे, तो तुम्हारा साथी कौन है? तुमने उसको नहीं पहचाना होगा तो डर लग रहा है, अगर तुमने अपने साथी को पहचान लिया, अपने बाप को पहचान लिया जो तुमको ज्ञान के झूले में झुलाए रहा है, तो तुम कभी उनसे नहीं डरेंगे। इसका मतलब अभी तुमको डर है, इसलिए भक्ति मार्ग नहीं छोड़ रहे हो। जब दीपावली आती है तो दौड़ दौड़ के दीपक जलाते हो, जलाते हो कि नहीं? हैं? छूट गया, देखने जाते कि नहीं? छत पे चढ़ के देखते हो? हैं? झूठ बोले कौआ काटे, कान खुजलाने लगा। और हाँ हर चीज में लक्ष्मी लक्ष्मी को आगे कर देते हैं नारायण से पहले, हैं? लक्ष्मी नारायण बोला जाता है तो लक्ष्मी आगे नारायण पीछे, सीता राम बोला तो सीता आगे राम पीछे, तो फिर शंकर पार्वती क्यों बोला था? पार्वती तुम पीछे आई हो इसलिए पूछ रही हो, अगर पहले आई होती तो तुमको मालूम पड़ जाता कि बाबा ने ये बात कई बार समझा दी। बाबा ज्ञान में जब चले तब आए तब पूछा, क्योंकि कन्याओं माताओं को आगे किए बगैर पुरुष अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति के ऊपर जीत कभी नहीं पा सकेंगे, इसलिए कन्याओं माताओं को आगे रखना नाम जरूरी है। पहले राधा का नाम, पीछे राम का नाम, वो कृष्ण का नाम, पहले सीता का नाम फिर राम का नाम, पहले लक्ष्मी का नाम फिर नारायण का नाम, बाकी जहां भगवान भगवती का नाम लेंगे वहां ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान तो भगवती से ऊपर है, प्योरिटी में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है।
इसलिए कहते हैं शंकर पार्वती। पार्वती शंकर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भगवान भगवती का पार्ट है। और बाबा, हाँ जी, मुरली ने बोला है कि भारत में खून की नदियाँ बहेंगी, और फिर बाद में बोला कि भारत में दूध की नदियाँ बहेंगी। हाँ तो तुम क्या पूछ रहे हो, है भारत का विनाश सबसे ज्यादा, भारत का विनाश खून की नदियाँ बताए हैं मुरली। हाँ तो भारत का जब सबसे ज्यादा उत्थान भी होगा, भारत में भगवान आएंगे और भारतवासी भगवान की बात को नहीं मानेंगे, तो सौ गुना पाप का बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा, तो सजा पहले कौन भुगतेगा, भारतवासी सजा भुगतेंगे। और बाबा, जो आपने मूवी टाकीज और साइनस बताया, उसका अर्थ क्या होगा? पहले जब सिनेमा निकला तो सिर्फ चित्र आते थे पर्दे पर, वो चित्र बोलते नहीं थे, क्या तो उसको कहेंगे मूवी था, ताकि नहीं था। फिर बाद में ऐसा सिनेमा निकला कि वो चित्र बोलने भी लगे, ओठ चलते जा रहे हैं, आवाज निकलती जा रही है, ओठों के साथ ही साथ आवाज निकलती है, तो उसको कहेंगे टाकी। तो ये दुनिया भी ऐसे ही है, जब बाबा आते हैं तो 40 साल के लिए सूक्ष्म बतन रचते हैं, ১৯৩৬ से लेकर के 76 तक के लिए, एक आत्मा के लिए यह बात लागू होती है, वो आत्मा ज्ञान में चलते चलते जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो मूवी खत्म हो जाती है, क्या शुरू हो जाता है, टाकी शुरू हो जाती है। और है प्रतिमा और मूर्ति में क्या अंतर है, प्रतिमा और मूर्ति में क्या अंतर? जो प्रतिमा कही जाती है वो ज्यों की क्यों होती है, कहते ना इस कागज की प्रति निकाल लो, तो जब फोटो स्टेट निकाली जाती है तो कहते हैं प्रति है, ज्यों की त्यों है या कुछ अंतर है, ज्यों की त्यों है, तो वो हो गई प्रतिमा, ज्यों का त्यों फोटो। और भक्ति मार्ग में प्रतिमा नहीं होती है, क्या होती है, मूर्ति बनाई जाती है, वो मूर्ति ज्यों की त्यों नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण का चित्र जैसा था 5000 वर्ष पहले जब वो विश्व के मालिक थे, वैसी ज्यों की त्यों प्रतिमा कोई नहीं निकाल सकता, मूर्ति बनाते। और बाबा, सूक्ष्म बतन क्या होते हैं, संगम युग पर होता है कि और युगों में भी होता है? तुम्हारी आत्मा जब मनन चिंतन मंथन में चली जाती है, मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में चली जाती है, तब तुम्हें अपने देह की याद रहती है, वो ही सूक्ष्म बतन है। जब सोते सोते स्वप्न में चले जाते हैं, तो जब स्वप्न में चले जाते हैं तो स्थूल देह से परे हो जाते हैं, या स्थूल देह के अंदर रहते हैं, परे हो जाते हैं, परे आत्मा चली जाती है, शरीर यहाँ पड़ा है और कलकत्ते में घूम रहे हैं, तो क्या हो गया, सूक्ष्म स्टेज हो गई मन बुद्धि की। और बाबा, मुरली ने बोला है कि श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया है,
अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्णपुरी भी है और कंसपुरी भी है। ब्राह्मणों की दो दुनिया है या नहीं है? है। कौन कौन सी बताओ, क्लियर करो। बोलो 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 बोलो, धड़ाक से बोल दो, कोई मारेगा पीटेगा नहीं। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में दो दुनिया कौन कौन सी हैं? एक बेसिक वाली, एक एडवांस वाली। दोनों दुनियाओं में कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल आदि की तरह मारपीट करने के लिए कौन आमादा है? तो कंसी जरासंधियों की दुनिया हुई या कृष्ण की दुनिया हुई? है कंस की। दीदी दादियां तुम्हारा फोटो देखेंगी, खींचो ध्यान से। जोर से बोलो, सच्ची बात को जोर से बोलो, सच खंड स्थापन करो। बोलो, डरते काहे के लिए? तो झूठ खंड स्थापन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए? अपने लिए कर रहे हैं। झूठ खंड में उनको जन्म मिलेगा और तुमको तुमको सच खंड मिलेगा। और बाबा जो शास्त्र में अत्रमुनि दिखाया है, तो है? अत्रमुनि है पति अनुसुईया के पति, तो यहाँ पे अपने कैसे? अच्छा, तुम भी लगता नए नए आ गए। कितने दिन हुए भट्टी किए? 3 साल। है 3 साल, 2007। और रोज क्लास कर रहे हो? कहाँ? जारी है। राम जारी, राम जारी, गांव जारी बता रहे हैं। गांव है नाम? जारी जारी जारी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बदलू भाई। बट्टू भाई, बदलू भाई, बदलू। अच्छा, बदल नहीं जाना। हाँ, प्रश्न अपना फिर से दोहराओ। आश्रम बाबा अत्री का नाम आया है। हाँ, बेहद में कहते अत्री का मतलब है आ माने नहीं, अत्रे माने तीन, जो वास्तव में तीन का पाठ नहीं बजाता है, तीन से भी परे है। वो कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? है बाबा। जब शिव बाबा कहेंगे तो शंकर का रूप हो गया, वो तो तीन रूपों में से एक रूप हो गया। लेकिन जब वो निराकारी स्टेज में है, सिर्फ निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो है अत्री। और जब उसका आकारी रूप होता है तो शंकर सूक्ष्म वतन का है या निराकार है या साकार है? है? अरे तुमको कहाँ पढ़ाया गया? सूक्ष्म वतन का है। इसलिए निराकारी स्टेज जब है तो अत्री है। मना, जब मनन चिंतन मंथन का पाठ पूरा होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, शंकर के तीसरे नेत्र का पाठ पूरा होता है, मनन चिंतन मंथन वाला, तो कौन से युग की शूटिंग समाप्त होती है? अरे अरे जल्दी बताओ। हाँ? हाँ? अरे सन 76 में कौन से युग की शूटिंग समाप्त हुई? हाँ? हाँ? सतयुग। सन 87-88 में त्रेता युग की 12 साल में शूटिंग पूरी हुई। फिर 98-99 में
द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई। जब जन्माष्टमी के दिन और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो जेल में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। फिर कलयुग की शूटिंग शुरू होती है 2000 से लेकर के 2004 तक। तो कलयुग की शूटिंग पूरी हुई तो चारों युगों की शूटिंग का मनन चिंतन मंथन पूरा हुआ। फिर रंगमंच पर काशी नगरी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और काशी नगरी में अनुसुईया भी आनी चाहिए। अनुसुईया के पति का नाम है अत्री। वहां से नया संगठन ब्राह्मणों का शुरू हो जाता है जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है कि काशी में जाकर जो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में जावेंगे। तो स्थूल शरीर से मौत की बात है या जीते जी दुनिया से संबंध कट कर देने वाली बात है? जीते जी जो दुनिया से संबंध तोड़ करके काशी नगरी में चले जाते हैं, पालना लेते हैं अनसुईया से, अत्रि ऋषि से, जहां से निराकारी स्टेज शुरू होती है, वो निराकारी मुनि का नाम रख दिया है क्या? अत्रि। और उनके संगी साथी का नाम रख दिया है अनुसुईया, जिसकी किसी भी प्राणी मात्र में असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ऐसी आत्मा त्रिदेव तो क्या, त्रिदेवियों तो क्या, सारी दुनिया के लिए इष्ट है। क्योंकि दुनिया का जो बड़े से बड़ा इष्ट देव है महादेव, उसको कौन सी नगरी इष्ट है? काशी नगरी इष्ट है। और अच्छा, अभी अंधेर नगरी चौपट राजा दुनिया में नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी आगे और देखना है, है? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखिया। अच्छा आगे बाबा हाँ। जो बताया गया है कि जो झूठ बोलेंगे वो झूठ खंड स्थापन करेंगे हाँ। तो परंतु तो ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो झूठ, चाहे ब्राह्मण की दुनिया हो चाहे बाहर की दुनिया हो, परंतु तो ऐसा कोई नहीं है ना जो झूठ न बोले, तो सत्खंड कैसे स्थापन होगा? अरे छोटी नन्नी मुन्नी की भी बात सुन लिया करो, वो भी आत्मा है, नहीं सुनाई पड़ा? इसकी बात अच्छी नहीं लगती? अरे तेरी बात अच्छी नहीं लगती। ये पूछ रही है कि दुनिया में सब पापात्मय हैं, एक भी ऐसा नहीं जो छाती ठोक के कहे कि हम पुण्यात्मा हैं। कोई हो तो बताए, हाथ उठाओ, जो कोई कहे कि हम पुण्यात्मा हैं, हम पापात्मा नहीं है, माना सब पापात्मा हैं। और पाप की दुनिया में
जब सब पापात्मा है और कोई पापात्मा सच बोले तो वो सचखंड की स्थापना का निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो कह रहे बनेगा। हाँ, थोड़ा सच बोलेगा तो थोड़ा निमित्त बनेगा, और ज्यादा सच बोलेगा तो ज्यादा सच का निमित्त बनेगा, ज्यादा लंबे समय तक सच खंड में रहेगा। नहीं पारा था बाबा, नहीं पारा था नन्मा। तुम्हारे घर में कितने पैसे हैं? तुम्हारे हाथ में कितने पैसे हैं? बाबा पैसे तो हमारे पास अपने खर्चा भरे का हो जाते। हाँ, उनसे एक मशीन खरीद लो, कान की मशीन। बाबा कान दुख लगू हमारे सुनना पड़ता। यहाँ बैठो सुना पार। अब ले वो बोल रहा है, ज्योति से ज्योति जगाओ। तो जो ज्यादा सच बोलेगा, और है सारी झूठों की दुनिया। भैया लवा जाते भैया लाल, भैया लाल के माता हूँ। चुप रहो। सारा बाजार लगा हुआ है झूठे हीरा बेचने वालों का, और एक छोटी सी दुकान खोल करके तीन पांव पृथ्वी में सच्चे हीरे लेकर के बैठा है, वो सच्चे हीरे बेच रहा है, और सारा बाजार बड़ी बड़ी दुकानों का लंबा चौड़ा सैकड़ों किलोमीटर का लंबा बाजार है, और झूठे हीरे, सच्चा हीरे का नाम निशान नहीं। तो वो अगर एक हीरा बेचेगा सच्चा, तो सारे दुकानदार क्या कहेंगे? हैं? ये भी झूठा है। एक बेचेगा तो कहेगा ये एक झूठा, अगर दस हीरे उसने बेचे तो दसों को क्या कहेंगे? ये दसों हीरे इसके झूठे। तो ऐसे ही आज है सच बोलने वालों की गति। अगर दस बातें बोलेगा सच्ची सच्ची, तो दुनिया दस गुना उसका विरोध करेगी। अगर सौ बातें सच्ची बोल देगा तो सौ गुना विरोध करेगी। हजार बातें सच्ची बोलेगा तो हजार गुना विरोध करेगी। ऐसे सच्चे बोलने वाले नंबरवार होंगे। कोई तो पूरे सचखंड में राज्य करेंगे, इतना सच बोलेंगे, और सारी दुनिया विरोध करेगी। जो बाबा ने बोला, आदि में तो एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी, तो आदि में सो अंत में भी ऐसे ही होगा। सारी दुनिया कहेगी अखबारों की बात सच्ची, ये आदमी झूठा। सारी दुनिया कहेगी टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है सो सच्चा, ये आदमी झूठा। सारी दुनिया कहेगी रेडियो में जो आ रहा है सो सच्चा, ये आदमी जरूर झूठा। सारी दुनिया कहेगी इंटरनेट में जो आ रहा है सो सच्चा, ये आदमी जरूर झूठा। और लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि जिसको सारी दुनिया झूठा समझती थी वो ही सच्चा, और बाकी सारी दुनिया झूठी हुई। इसलिए उसकी यादगार भक्ति मार्ग में भारतवर्ष में खास हर घर में कौन सी कथा सुनाई जाती है? एक सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं सुनाई जाती, उसके मुकाबले वो लक्ष्मी भी झूठी साबित होती है। और बाबा है, हाँ, भारत में पांडवों का साथ कोई नहीं देता और विदुर देता है, तो उसका पाठ क्या है?
तो कौरव संप्रदाय में कोई ऐसे निकलेंगे युवी माने विशेष, दुह माने जानने वाले, विदुह माने विशेष विद्वान, ऐसे विशेष विद्वान होंगे जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन नमक खाया है कौरवों का, इसलिए उनके राज्य में नौकरी करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन दिल किसको देते हैं? पंडा बाप को दिल देते हैं। ऐसे भी निकलेंगे। और बाबा जी, जो ये हिसाब किताब होते हैं, हिसाब किताब जो होते हैं, कभी लगता है कि बहुत अच्छे हैं, कभी बहुत बुरे लगते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है? तेरे लगे आपने कितने जन्म लिए हैं रावण राज्य में? जल्दी जल्दी बोलो। 63 जन्म में अच्छे ही अच्छे काम किए या बुरे काम भी किए हैं? है? बुरे भी किए हैं, अच्छे भी किए हैं। और अभी चल रहा है संगम युग, यहाँ शूटिंग हो रही है, तो शूटिंग की रील घूम रही है, 63 जन्मों की रील। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब खराब रील घूमती है तो बहुत खराब लगता है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। और हाँ, मोर इतनी सुंदर होती है, मोर इतनी सुंदर होती है, उसके पैर भी गंदे होते हैं, वो देख दो देख देख रोती क्यों रोती है बाबा? हमारे भारत में ऐसा कौन सा भगवान है जिसके मोर मुकुट में मोर का पंख दिखाया जाता है? श्री कृष्ण भगवान है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को देह अभिमान की पूंछ तो थी, ऐसे नहीं नहीं थी, लेकिन वो देह अभिमान की पूंछ जब डांस करता था, ज्ञान डांस, तो वह पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी। क्या वो पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी? लेकिन वही मोर जिसकी पूंछ सबको बड़ी अच्छी लगती है, और वो बाई चांस अपनी चलन को देखता है, चलन काय से चली जाती है, पांव से, तो बाई चांस अगर वो अपनी चलन को देखता है तो अपने पांव को देख करके रोता है। क्या? अरे मेरा डांस इतना बढ़िया, सारी दुनिया देख करके खुश होती है। और भारत में आज भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट एक ही पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मानती है, मान्यता देती है। आदमी के मारने पर जितनी हत्या हो नहीं मानी जाती, उससे ज्यादा बड़ी हत्या मोर को कोई मारते हुए पकड़ लिया जाए, प्रूफ मिल जाए, तो उसको सजा मिलेगी। इतना मान मर्तबा है मोर का, और उसकी देह अभिमानी की पूंछ देखने में बड़ी सुंदर लगती है, हवा करने में बड़ी अच्छी लगती है उसकी हवा। एक होती है दुनियावी हवा और एक होती है
मोर पंख के पंख की हवा। उस सफाई भी बहुत अच्छी करती है, जो झाड़ू होते हैं है, तो वो पंखे इतनी हवा नहीं देते, वो झाड़ू उतना बढ़िया सफाई नहीं करते, और मोर पंख का झाड़ू बहुत अच्छी सफाई करता है। लेकिन वही मोर जब अपनी चलन के ऊपर विचार करता है तो रोता है, अरे विजय माला के आवाहन किए बगैर मेरी चाल ठीक होने वाली नहीं। तू तो बच्ची है, कैसे समझाएं? और बाबा ये पांच उंगलियों में एक उंगली की बुरी मानी जाती है, पांच उंगली होती है, है? में एक उंगली गंती मानी जाती है। पांडव कितने थे? पांच पांडव थे। वो पांच पांडव कौन सी माला के गए हुए हैं? रुद्रमाला। रुद्रमाला के पांच पांडव गए हुए हैं। पांच पांडवों में एक तो बड़े में बड़ा युद्ध में स्थिर रहने वाला है, क्या? जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर के, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, या तो काम पूरा करके हटेंगे या तो भले प्राण छूट जाएं, ब्रह्म राक्षस बन करके काम करेंगे। ऐसा पांडव भी है, और एक पांडव ऐसा है जो थोड़ा घटिया धर्म है, पांडवों में लास्ट धर्म कौन सा है? सहदेव। सहदेव कौन से युग में आता है? है कलयुग के मध्य में, मध्य में आते हुए भी भगवान के कार्य में सहयोगी है। और उसमें से निकली हुई जो आत्मा है वो रुद्रमाला का फाउंडेशन बनती है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे सीखी गई। 83 में बोला, तो क्या सन 83 तक कोई ब्रह्मा कुमारी का कन्यादान हुआ ही नहीं था भगवान के लिए? नहीं हुआ था, फिर क्यों कहा? कन्यादान तो हुए लेकिन बेसिक नॉलेज में हुए, एडवांस ज्ञान में कोई भी कुमारी नहीं निकली। एडवांस ज्ञान में जो पहली कुमारी निकली वो पंजाब का खून था, वो लास्ट पांडव, छोटा पांडव है। ये उंगली भी छोटी उंगली है लेकिन भगवान की नजर में वो रुद्रमाला का लास्ट मणका भी भगवान के उतने ही नजदीक है जितना फर्स्ट मणका। बराबर महत्व है, लेकिन सबसे छोटा क्यों कहा गया? छोटा इसलिए कहा कि दो कार्य हैं,
एक स्थापना सो पालना करने वालों का कार्य और एक है विनाश करने वालों का कार्य। बड़ा काम कौन सा है? बनाना बड़ा या बिगाड़ना बड़ा? बनाना बड़ा और बिगाड़ना ये घटिया काम है थोड़ा। तो महाकाली का जो पार्ट बजाती है वो है छोटी उंगली। हिस्ट्री में देखा जाए जो पापात्माओं का धर्म है, इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म, उन पापात्माओं का विनाश करने में हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए हैं या सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? पंजाब के खून ने ज्यादा बलिदान दिए। तो विनाश का काम भी कल्याणकारी काम है, इसलिए वो छोटी उंगली इतना महत्वपूर्ण कार्य बजाती है कि गोवर्धन पर्वत जब उठाया गया तो कौन सी उंगली पर उठाया गया? छोटी उंगली पर। इसका मतलब ये हुआ कि 16,000 जो गौए हैं उन गौओं का पहाड़, उसकी पालना का दायित्व वो छोटी उंगली बड़ी मां संभालती है। लास्ट में तब संसार में देवियों की पूजा होती है। इसलिए 5 पांडवों में ये छोटी उंगली भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कोई बच्चे बाप के घर में रहते हैं और बाप के घर से जब बाहर आते हैं तो बाप की ग्लानी करते हैं, ऐसे बच्चों की बात सुनकर के बुद्धि खराब हो जाती है, तो मतलब क्या करना चाहिए उनको? और बाप को देखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, आगे आगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और दूसरे की बुद्धि खराब कर देते। घटिया को देखना चाहिए, बढ़िया को देखना चाहिए? बढ़िया को देखना चाहिए बाबा। ये आंखें हैं वो संग किसका करें? बढ़िया का संग करें या घटिया का संग करें? बढ़िया का। तो गलती किसकी है? अरे बाबा ने बोला है देखते हुए न देखो। कोई खराब बातें सुनाता है, सदगुरु की निंदा करता है, सुनते हुए न सुनो। अगर आती है गुस्सा इसका मतलब सुन लेते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं, तो श्रीमत की बरखिलाफी की या नहीं की? और श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो 100 गुना दंड के भागी बनेंगे। जो आत्मा दंड खाती है उसकी हालत खराब होती है या अच्छी होती है? धर्मराज की सजाएं खावेंगे, हालत खराब हो जाएगी, पद नीचा हो जाएगा, संसार के सामने नाक नीची हो जाएगी। तो ऐसा काम हम क्यों करें? अभी तो बाबा कहते हैं कि अभी अभी करो और अभी अभी उसका फल पाओ। और बाबा ये जो छोटी माता जी है, विजय माता का है, उनकी कुछ कैस्टें बेसिक में जो निकल रही हैं, अपने एडवांस के कुछ भाई बहन अगर उनको सुनते हैं तो वो श्रीमत है, उनको सुनना चाहिए कि नहीं जो सुन रहे हैं? मुरली में बोला है एक से गुस सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान, अनेकों से सुनेंगे तो भी विचारी ज्ञान हो जाएगा। तो श्रीमत से सदगति और श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो दुर्गति।
दुर्गति करानी हो तो सुनो, इसका मतलब जो बाप सुनाते हैं उसका महत्व नहीं है उतना जितना देहधारी का महत्व है। देहधारी गुरुओं से दुर्गति होती है, ये बात बुद्धि में बैठी कि नहीं बैठी? है, बैठ गई। जिसकी बैठेगी वो देहधारियों की वाणी सुनेगा नहीं सुनेगा? मुरली में तो बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। श्रीमत कहती है एक से सुनो, और देहधारी कहता है एक से नहीं, अरे इसकी भी सुनो। तो रावण संप्रदाय हुआ कि नहीं हुआ? है, हुआ। वाह वाह लड़का बच्चा बहुत घर के परेशान कीने। हाँ, कोई ज्ञान में नहीं चलता बाबा, दारू ऊपर से पीते हैं, जो कार रोकती हूँ तो ऊपर से लड़ते हैं। हाँ। और जुगुल भी नहीं ज्ञान में चलता, वो भी दारू पिए के चेष्टा करते, बुढ़े पर गए पे दारू नहीं छूट रही है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? हाँ, कहाँ मारेंगे पियेंगे उनका भाग्य बनेगा, मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं कह जाता, बांट लिया, अलग ले लिया, घर एक ठैया, उसमें भी नहीं गुजर होने पाती मेरी। परेशान कौन होते हैं मालूम है? बाबा ने बोला जो आत्म की स्थिति की शान में नहीं रहते, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझते, मेरा ये मेरा वो, मेरा जुगुल, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मेरा के चक्कर में ज्यादा फंसे रहते हैं, वो देह अभिमान में रहते हैं। मैं आत्मा हूँ तो मेरा कोई नहीं, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लड़ाई एक हाथ से होती है या दो हाथ से? पूरा घर नहीं ज्ञान में चलता, कोई कुछ सुनते नहीं है। तुम क्यों सुनाती हो जो नहीं सुनते हैं? तुम्हें जबरदस्ती क्या है? तुम मुसलमान धर्म की हो, जबरदस्ती तलवार लेकर के गले पर लटकाओगी? मुसलमान ऐसा करते हैं, एक तरफ तलवार उठाएंगे, कहेंगे हमारे धर्म को मानो, सुन्नत कराओ, नहीं मानोगे तो सर उड़ा देंगे। तुम भी वैसा ही कर रही हो, ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान में नहीं चलते, 24 घंटे तलवारबाजी कर रहे हैं। अरे चुप हो जाओ, नहीं चलते तो कोई बात ना होने, अपने स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तुम्हारे अकल है, उनको अकल नहीं है, है? सही, सही बात, अच्छा सही। ब्रह्मा के साक्षात्कार में जो चार चित्र है, जो उसमें नीचे लिखा था लक्ष्मीनारायण वाले में, फिर राजकुमार श्री कृष्ण, अभी आप क्या भगवान श्री कृष्ण कोई कहता नहीं, अभी आपने कहा ना भगवान, हमने कहा लो भाई, हमने कहा भगवान श्री कृष्ण, अरे श्री कृष्ण भगवान है, अरे दुनिया तुम क्या मानते हो? हम तो नहीं मानते, हम तो देता हूँ। तो काहे के लिए पूछ रहे? आपसे प्रूफ मांगा है, मतलब हमसे प्रूफ मांग, हम तो कहा ही नहीं किसी कृष्ण भगवान है, हमने कहाँ कहा, हम तो कह रहे हैं श्री कृष्ण बच्चा है, श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का गुरु था, ये भगवान के लक्षण है। जैसे कोई ज्ञान में चलता है और वो यदि उसकी आयु 50 साल हो, 20 साल मर जाए, तो क्या वो भटकता रहता? अकाली मौत होगी तो भटकता रहेगा। और भीष्म ने माताओं को ये दिया था कि माताओं के अंदर कोई बात नहीं थी, है युधिष्ठिर ने दिया था, है माताओं को क्यों ऐसी दुआ दी थी कि आप लोगों के अंदर कोई बात, ये दुआ है, है ये बद्दुआ है कि दुआ है, है
माताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है, वो कलयुगी माताएं हैं या सतयुगी माताएं हैं? कलयुगी माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है, तो सतयुगी माताएं बन जाए। हाँ, अनिश्चय कब तक आता रहेगा? जब तक पाप कर्मों का बोझ आ चढ़ा रहेगा। पाप कर्मों का बोझा खत्म होगा, पक्का निश्चय आ जाएगा। ओम शांति।